हमेशा से मदर और फादर उनका हमेशा से मेरी तरफ एक झुकाव था कि मैं जो है एजुकेशन पे काफी एक्सेल करूं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो मेरी जब वो क्रिटिसिज्म कंटिन्यूस मिलता रहता था कि रुकावटें आती रहती थी ऑब्सटिकल रहती जी, थी जी, जी, तो जी, उसकी बदौलत भी जो है ये संभव हो पाया है इससे पहले तो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होना बहुत जरूरी है आपको सैचुरेशन में नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये पढ़ ली तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि मेरा एग्जाम तो हो ही जाएगा आपने रैंक एग्जाम में ले लिया है क्या कहना चाहते हैं सर uh, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आपके uh, चैनल मेरे घर पर uh, आए uh, हैं और मैं बहुत खुश हूँ मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हैं और थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी दिस मच सर आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन से बात करते हैं से से चलते हैं सर है uh, मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है बीटेक है जी सर सर आ, ये काफ़ी एक मैं कहूँगी एक नई एप्लीकेशन बेस्ड ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली जितने भी जैसे प्रोसेस वेरिएबल्स होते हैं टेम्परेचर हो गया प्रेशर हो गया उनको किस किस तरीके से कंट्रोल तरीके से जो है हम लागू कर सकते हैं तो ये काफ़ी एक एप्लीकेशन बेस्ड ब्रांच है जिसमें हम जो है जैसे आप जितने भी ऑटोमेशन देखते हैं आप कहीं जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लिड खुल जाती है या कहीं बार दरवाजा खुल जाता है तो वो जो ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का काम है वो इंस्ट्रोमेंटेशन डील करता है कितनी रुचि थी आपको इस सब्जेक्ट के साथ सर uh, so, मुझे बहुत रुचि थी मुझे बहुत पसंद था सब्जेक्ट और जब मैं अभी सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू की भी तैयारी कर रही थी तो उसमें भी मुझे जो है इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर काफी सवाल आए थे तो मैं कहूंगी कि मुझे बहुत पसंद है ये सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन कितना मदद दे दिया है आपको जेके एस क्वालिफाई करने में और किसका रोल है ज्यादा कि आप जे के एस में सर मैं कहूंगी की हम आज जो सदी में रहते हैं जहाँ पे ऑनलाइन का बहुत अहम रोल हो चुका है Uh, तो डेफ़िनेटली ऑनलाइन ने तो मुझे बहुत हेल्प करी है जैसे मैं वीडियोस के लिए इंटरव्यू इंटरव्यू लेक्चर्स के लिए मुझे काफ़ी जो है हेल्प मिलती थी दिल्ली की क्लासेस से लेकिन मैं कहूँगी कि ऑफ़लाइन का कोई भी मैच नहीं है क्योंकि ऑफलाइन किताब से जो आप पढ़ते हैं वो आपको सेम ऑनलाइन से ज़रूरी नहीं है कि समझ आए तो uh, मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं ऑफलाइन जो है अपने घर पर बैठ के सेल्फ स्टडी थ्रू बुक्स हार्ड कापीज़ मैं ज़रूर पढूं तो दोनों का एक अहम रोल रहा है लेकिन ऑफलाइन डेफिनेटली एक उसका एक अपर हैंड है जब आप ये तैयारी कर रहे थे कितने घंटे आप अपने किताबों के साथ करते थे घंटे so, के हिसाब से तो मैं नहीं कहूंगी कि कितने घंटे आपको सोच के पढ़ाई करनी चाहिए जो जिस हिसाब से आपका डेली बेसिस टारगेट जो आपको बनते हैं मान लीजिए आपको अगर अखबार पढ़नी है तो तकरीबन तो दो घंटे उसमें लगेंगे जो अगर आपको अपना ऑप्शनल पढ़ना है तो दो से तीन घंटे उसमें लगेंगे बाकी चीजें आपको रिविजन करना है तो उसमें समय लग सकता है तो तकरीबन मैं कहूँगी छः से सात घंटे मिनिमम लग सकते हैं लेकिन अगर आपका एग्जाम पास में है तो कई बार बारह से तेरह घंटे भी लग सकते हैं किसको आप ये क्रेडिट दे, दे देंगे कि जो एग्जाम आपने किया है, आई पेरेंट्स दे हैव टू बी गिवन ऑल ऑफ द क्रेडिट बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई टू एक्सटेंड माय ग्रेटिट्यूड टू ऑल माय फ्रेंड्स मेट इन लाइब्रेरी टेक वन चैनल एंड राजर सर हुज बीन कॉन्स्टेंट सपोर्ट एंड आप चल के यहाँ पर आज आए हैं यहाँ पे और uh, उसके अलावा सारे जो मेरे रिलेटिव हैं और uh, मेरी नानी हैं तो सबका थैंक यू मैं करना चाहती हूँ और स्पेशली मैं क्रिटिसाइज़ का भी थैंक यू बहुत ज्यादा करना चाहती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं जब वो क्रिटिसिज्म कंटिन्यूस मिलता रहता था कि रुकावटें आती रहती थी ऑब्स्टिकल्स रहती जी, थी जी, तो जी, उसकी जी, बदौलत भी जो है ये संभव हो पाया है हौसले बुलंद थे कामयाबी मिल गई बिल्कुल सर अब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलने वाला है थर्टीनथ रैंक बहुत मैंने रखती है जब आप अपने कारोबार संभालेंगे दफ्तर में जाएंगे किस को मदद करेंगे आप कैसे आप अपने लोगों को परिचित करेंगे कि जो भी पॉलिसीज़ बनती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या यूटी स्पॉन्सर्ड किस तरह आप लोगों तक उनको ले जाएंगे सर so, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आ, अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग पीरियड शुरू होने वाला है तो मैं चाहती हूँ कि मैं आ, मैं बहुत ईगर हूँ कि मैं जल्द से जल्द ट्रेनिंग करूँ और कुछ नया चीज़ें सीखूँ ताकि मैं जो है फील्ड वर्क में आ पाऊँ तो पहले मैं उस पर फोकस कर रही हूँ और डेफिनेटली जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में, में आ, आ, मेरी पोस्टिंग होगी मैं कोशिश करूँगी सत्यनिष्ठा से जो है उस पर काम कर सकूं लेकिन एक जो मेरा एक पर्सनल जिसको मैं कहूँगी मेरा झुकाव है शिक्षा की तरफ क्योंकि मेरी मदर जो है एक शिक्ष, शिक्षक हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं शिक्षा की तरफ कुछ जो है बदलाव ला सकूँ अपने माता पिता के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए यू आर सिंगल To your mother and father. Yes, sir. क्या ऐसा कई बार लगता था कि भाई या बहन होना चाहिए लेकिन मैं कहूंगी की uh, इस वजह से जो है मैं पेरेंट्स के साथ और क्लोज थी क्योंकि मेरा और कोई ब्रदर सिस्टर नहीं था तो डेफिनेटली पेरेंट्स uh, के साथ बहुत ज़्यादा डीपर बॉन्डिंग थी मेरी okay. तो uh, uh, जैसे आपने कहा मैं पेरेंट्स की इकलौती पेटी हूँ दी ओनली चाइल्ड ऑफ पेरेंट्स तो बचपन से uh, हमेशा से मदर और फादर uh, मेरी मदर जैसे मैंने आपको बताया वो एक शिक्षक हैं अध्यापिका uh, हैं okay. तो uh, उनका हमेशा से मेरी तरफ एक झुकाव था कि मैं जो है एजुकेशन पे काफ़ी एक्सेल करूँ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो मेरी और सर जो मेरे फादर हैं वो इंजीनियर हैं और आ, दोनों पेरेंट्स ने मेरी रुचि हमेशा से साइंस की तरफ़ लाई है और खास तौर पे जो मेरी माता जी हैं उन्होंने मुझे सिक्स या सेवन्थ स्टैंडर्ड में थी जब उन्होंने मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ इंट्रोड्यूस कराया था और तब से मुझे एक मेरे अंदर की एक चाह थी कि मैं सिविल सर्विसेज में आ पाऊँ तो दोनों पेरेंट्स का एक्सट्रीम सपोर्ट रहा है uh, मेरी मतलब 2018 से लेकर अब तक जब से मैंने जर्नी जो है शुरू की है मेरे पहले अटेम से फेलियर्स पे फेलियर्स रहे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला रिलेटिव से आसपास के लोगों से लेकिन जो मेरे फादर थे और मेरी मदर थे उनको बिल्कुल यकीन था कि मैं बिल्कुल कर पाऊंगी तो उनका बहुत सहयोग रहा है जब रिजल्ट घोषित हुआ किसने आपको इन्फॉर्म किया है कि कि क्या बिलीव था यू विल गेट थर्टींथ रैंक सर हमें रिज़ल्ट के बारे में सुबह पाँच बजे के करीब पता चला है उस वक्त मैं बिल्कुल सो रही थी मेरी माता जी भी सो रही थी और मेरे पिताजी को एक फ़ोन आया था उन्होंने नंबर से आ, 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 शायद किसी प्रेस से कॉल आया था कि आपकी बेटी का रिजल्ट आ गया है तो हमें पहले विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उन्नीस को जो है इंटरव्यूज़ खत्म हुए थे तो बीस बीस तारीख को रिज़ल्ट आने की संभावना थोड़ी कम थी हमें लगा था दो तीन दिन तक शायद आ सकता है रिज़ल्ट तो सडनली पहले नाम देखा नाम नहीं मिला मैं लास्ट से चेक करी थी कि मेरा नाम कहीं होगा फिर देखा कि मेरा नाम तो फर्स्ट लिस्ट के फर्स्ट पेज पे ही है तो देन आई सॉ माय रैंक देन माय मार्क्स सो इट वाज एन एक्सट्रीम सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन और यस uh, <coughs> uh, yes, तो मैं उन उनका थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सबसे पहले जो है रिज़ल्ट के बारे में बताया उस वक्त तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ इनफैक्ट आज भी विश्वास नहीं हो रहा है एक सपना जैसा लग रहा है कि फाइनली रिजल्ट आ गया है और आई आई एम जस्ट स्टिल फीलिंग की ये बिल्कुल विश्वास करने लायक बात नहीं है अरुषि जी जो आप जे के ए एस की एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे युवा और युवतियाँ क्या मैसेज दे देंगे आप उनको कितना हार्ड वर्क करना चाहिए उनको क्या मैसेज यू विल पास सर uh, वैसे अभी मुझे लगता नहीं कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं किसी को कुछ मैसेज या सुझाव दे पाऊँ लेकिन अपनी जो जर्नी मेरी रही है जितनी भी स्ट्रगल की उससे जितना भी सीखा है तो मुझे यही लगता है कि आपको सबसे पहले तो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होना बहुत ज़रूरी है जी। आपको सैचुरेशन में नहीं रहना चाहिए कि मैंने ये पढ़ ली तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि मेरा एग्जाम तो हो ही जाएगा क्योंकि सिविल सर्विसेज में एक कुछ प्रतिशत मैं कहूँगी गैम्बलिंग ज़रूर है आपके पूरे करियर के साथ गैम्बल हो सकता है अगर आप एक कदम भी गलत उठाएं तो आपको कहीं भी अंडर या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि आपको लगे कि मैंने पढ़ लिया एक बार ये किताब तो मैं कर लूंगा या कर लूँगी कोशिश करते रहिए उसको रिवाइज करते रहिए हम्बल तरीके से और नई चीज़ें सीखिए टीचर से अपने सीनियर से और सबसे बड़ी बात अपने फेलियर्स के साथ जो है आपको रुकना नहीं है क्योंकि सिविल सर्विस जर्नी कई बार बहुत बड़ी होती है मैं मेरे को रिसेंटली कुछ लोगों से बात हुई तो पता चला वो इस सर्विस में इस जर्नी में दस सालों से ज़्यादा से प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्योंकि उनका कारण उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो सारे फेलियर्स के बावजूद भी अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं सो कीप लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड सिंसियरली टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर